इतने बजे शुरू होगा भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टी20 मुकाबला। भारतीय टीम में हुए बड़े बदलाव, दूसरे टी20 मुकाबले में यह होगी भारत की नई प्लेइंग 11। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद अब टीम इंडिया दूसरे टी20 मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार है। दूसरा टी20 मुकाबला कब खेला जाएगा और कितनी बजे शुरू होगा, साथ ही ये मुकाबला आप किस तरह से लाइव देख सकेंगे और कौन से क्रिकेट ग्राउंड पर यह मुकाबला खेला जाएगा, इसके बारे में तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों बने रहें इस वीडियो के पूरे आखिर तक, और साथ ही अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, और साथ ही साथ आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करे तो कर दीजिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक। हमने इस वीडियो का लाइक टारगेट रखा है मात्र 500 लाइक, तो जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करें। तो दोस्तों हम बात करें भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही इस टी20 की सीरीज की, तो पहले टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। पहले टी20 मुकाबले में टॉस हारने के बावजूद टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला था, और यहाँ पर भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए विशाल स्कोर खड़ा किया। आपको बता दें कि टीम इंडिया आधा दर्जन बदलाव के साथ मैदान पर उतरी थी, यानी कि टीम इंडिया में 6 बड़े बदलाव हुए थे, लेकिन भारतीय टीम ने इन बदलावों के बावजूद काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस किया। भारतीय टीम की बल्लेबाजी की हम बात करें तो टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा, ईशान किशन और सरेश अय्यर के बल्ले से तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली, जहां सरेश अय्यर ने 57 रनों की पारी खेली तो वहीं पर शानदार 89 रनों की पारी खेली ईशान किशन ने। इसके अलावा रोहित शर्मा ने भी 44 रन बनाकर टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाई, और भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 199 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था, जिसके जवाब में पूरी श्रीलंका की टीम 137 रनों तक ही पहुंच पाई और भारतीय टीम ने शानदार 62 रनों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी की हम बात करें तो भारतीय टीम की तरफ से भुवनेश्वर कुमार ने सबसे बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 2 सफलताएं प्राप्त की, तो वहीं पर ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर को भी 2 सफलताएं प्राप्त हुई। इसके अलावा रविंद्र जडेजा और यजवेंद्र चहल को एक एक विकेट मिला। भारतीय टीम के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही काफी शानदार गेंदबाजी की, खास करके भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने अपने शुरुआती 2 ओवरों में 2 सफलताएं प्राप्त की, और इस मुकाबले में उन्होंने सिर्फ 2 ही ओवर डाले और दोनों में 2 सफलताएं दिलाकर श्रीलंका की टीम की कमर तोड़ कर रख दी। तो वहीं पर इसके अलावा भारतीय टीम की तरफ से वेंकटेश अय्यर की शानदार गेंदबाजी भी हमें देखने को मिली। तो वहीं पर काफी दिनों के बाद वापसी कर रहे रविंद्र जडेजा ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने 4 ओवर में 28 रन देकर एक सफलता प्राप्त की। वहीं पर चले दोस्तों अब हम जानते हैं कि आखिरकार टीम इंडिया दूसरे टी20 मुकाबले में किन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरने वाली है। प्लेइंग 11 से पहले दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि आपको इस मुकाबले को कहां से लाइव देख सकेंगे और साथ ही यह मुकाबला कितनी बजे शुरू होगा। तो दोस्तों यह मुकाबला खेला जाएगा हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला में। यह मुकाबला शुरू होगा 26 फरवरी को भारतीय समय अनुसार शाम के 7 बजे। आप इस मुकाबले को लाइव देख सकेंगे स्टार स्पोर्ट और हॉटस्टार पर। इसके अलावा दोस्तों आप इसे जियो टीवी पर भी लाइव देख सकेंगे। तो चले दोस्तों हम जानते हैं कि आखिरकार इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम में कौन कौन से बदलाव होने जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय टीम पहले टी20 मुकाबले में 6 बड़े बदलावों के साथ मैदान पर उतरी थी, जिसमें डेब्यू करने का मौका मिला था भारतीय टीम की तरफ से दीपक हुड्डा को। लेकिन दोस्तों अब हम आपको बता दें कि दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन। ऋतुराज गायकवाड़ पहले टी20 में खेलते हुए नजर आने वाले थे, लेकिन एम टाइम पर उनकी उंगली में चोट लगी थी। वो चोट पूरी तरह से ठीक होने के बाद वो दूसरी टी20 में टीम इंडिया की तरफ से ओपन करते हुए नजर आएंगे। तो नंबर 3 पर खेलते हुए नजर आएंगे सरेश अय्यर, जिन्होंने काफी शानदार 57 रनों की पारी खेली थी। तो वहीं पर नंबर 4 पर हमें टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा खेलते हुए नजर आएंगे। रोहित शर्मा अपना ओपनिंग स्पॉट छोड़कर यहां पर नंबर 4 पर हमें खेलते हुए नजर आने वाले हैं। इसके बाद नंबर 5 पर संजू सैमसन दिखेंगे, जिनका पहले टी20 मुकाबले में बल्लेबाजी में नंबर नहीं आया था। तो वहीं पर नंबर 6 पर इसके बाद रविंद्र जडेजा दिखेंगे, तो नंबर 7 पर हमें दिखने वाले हैं वेंकटेश अय्यर। रविंद्र जडेजा और वेंकटेश अय्यर से टीम इंडिया को ऑलराउंडर परफॉर्मेंस की उम्मीद रहेगी। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया की तरफ से नंबर 8 पर हमें भुवनेश्वर कुमार दिखने वाले हैं, जिन्होंने काफ़ी शानदार गेंदबाजी करके दिखाई थी पहले टी20 में। तो वहीं पर दोस्तों नंबर 9 की हम बात करें तो यहां पर हमें हर्षल पटेल खेलते हुए नजर आएंगे। तो नंबर 10 पर हमें दिखने वाले हैं यजवेंद्र चहल।
जबकि दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से नंबर 11 पर खेलते हुए नजर आएंगे उप कप्तान जसप्रीत बुमराह, जो कि काफी शानदार गेंदबाजी करके दिखा सकते हैं। यानी कि टीम इंडिया एक बदलाव के साथ दूसरे टी20 मुकाबले में उतरेगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, कौन कौन से बदलाव टीम इंडिया में होने चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।